मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सैनिकों और लोक कलाकारों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने राजनीतिक चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के उत्तराखंड आगमन को लेकर कहा कि बड़े नेताओं के सहयोग से पार्टी को मजबूती देने का काम किया जा रहा है, इसलिए पार्टी के बड़े नेता राजधानी देहरादून पहुंचे हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीरें साफ की हैं कि आने वाले समय में पार्टी जो भी निर्णय लेगी वह मान्य होगा। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से और हमारे परिणाम सब हमारे पक्ष में आने वाले हैं। सर आपका कल कहाँ रहने वाले हैं आप? अभी ये देखते हैं कल कैसी परिस्थिति बनती है और चूंकि वो जैसे भी संगठन की व्यवस्था होगी उसके आधार पर। लेकिन सर एग्जिट पोल के जो आंकड़े उन्हें के रूप में आप देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं 60 पर मुख्यमंत्री को लेकर घबराया हुआ है, पार्टी आश्वस्त है मुख्यमंत्री को लेकर के, आपके नाम को ज्यादा लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मेरी पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, मैंने कोशिश करी है कि उस पर मैं खरा उतरूं, उस पर जितनी मेरी क्षमता है, योग्यता है, उस पर काम करूं। बाकी आगे जो पार्टी जो भी निर्णय लेगी। फायदा मिल रहा है।